सर, जरा ये बताएं, राहत मिलने की उम्मीद है अभी एक दो दिन फिलहाल, क्या कह रहा है मौसम अभी? देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश ऑलरेडी कम हो गई है और चार सिर्फ ऐसे जिले हैं जहां पे अभी मॉनसून सक्रिय है। उसमें जिला शिमला, राजधानी सिरमौर, सोलन और किन्नौर, और आज दिन में यहां भी बारिश में कमी आएगी। तो बिल्कुल राहत मिलने की बिल्कुल संभावना है और कुछ राहत तो अभी मिल गई है और कल और इसमें सुधार आएगा और कल से बारिश और कम हो जाएगी। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जल्दी से मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं, अगर आपके आपको संभव हो ये बता पाना, और सरकारी अमला है, आखिर कब तक जो है हम इसी तरह इस परिस्थिति को कवर करते रहेंगे, नुकसान हम देखते रहेंगे? वजह क्या है और कारण क्या है और कैसे निजात मिलेगी? क्या हम छेड़छाड़ ज्यादा कर रहे हैं प्रकृति से? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि माउंटेन्स में जब भी आप कोई गतिविधि करते हैं तो अगर उसको प्रॉपर साइंटिफिक ना किया जाए तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ साथ में ये भी है कि हम लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, लेकिन माउंटेन्स की ये समस्या है कि बहुत इमीडिएटली हम जो है कोई समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी होती है, हालात ऐसे होते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो इस तरह का वाकया हुआ, इस तरह का जो अभी पिछले 4 दिनों से जो बारिश हो रही है, ऐसा बहुत 2 डिकेड में तो देखने को नहीं मिला है। तो क्या रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है सर? इसमें तीन ऐसे जगह है हिमाचल में, जिला कुल्लू है, जिला सोलन है और जिला ऊना है, जहां करीब करीब जो है 50 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। बिल्कुल। और रणवीर रणवीर चूंकि आपके साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आप उनसे ये जरूर पूछिए कि चंबा में आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर धरती हिल रही है, इसके ताल्लुक से भी आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं। जी, आप एक सवाल है, चंबा में सुबह जो है भूकंप के झटके जो है महसूस हो रहे हैं, जरा बताएं ये झटके भी जो है लगातार हमें महसूस हो रहे हैं, हम साल भर में देख रहे हैं कि दर्जनों बार ये महसूस होते हैं, कई बार तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है सिस्मिक प्रोन एरिया है, जिला प्रदेश है, तो यहाँ पे झटके आना स्वाभाविक है, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रेमर्स आते हैं, इसका एक फायदा भी है क्योंकि एनर्जी जो है पृथ्वी रिलीज करती है, तो उससे बड़े भूकंप की संभावना कम हो जाती है। लेकिन साथ साथ में ये भी होता है, इसका भी अंदेशा रहता है कि बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो दोनों चीजें हैं और इस विषय में जो है भारत का जो भूकंप जो हमारा पूरा एक मंत्रालय है, वो इस विषय में संज्ञान रखे हुए है और इसको चीजों की इन चीजों को